शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डॉक्टर साहब, इनकी आंखें, इनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, बस यही एक सहारा रह गया है मेरे पास, किसी भी तरह इसकी आंखें ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब, सुना है आप लोग दूसरों की आंखें लगाकर इंसान को दोबारा देखने के काबिल बना सकते हैं, क्या इस केस में ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, चांसेस है। तो फिर आप मेरी आंखें लगा दीजिए डॉक्टर साहब, मुझसे ज्यादा इन्हीं आंखों की जरूरत है, वैसे भी इन आंखों ने गंदगी और नर के सिवा देखा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग ऐसे केसेस में वही आंखें इस्तेमाल करते हैं जो कि कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस के कारण गई हो। फिलहाल आई बैंक में ऐसी आंखें नहीं है, फिर भी आप इनकी आंखों के लिए एप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है साहब। क्या सोच रहा है बेटे? सोच रहा हूं मां कि मैं तो एक बुरा इंसान हूं, सारी जिंदगी गलत रास्ते पर चलता रहा, कानून तोड़ता रहा, इसीलिए जिंदगी और तकदीर से मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन तेरा बेटा तो एक शरीफ ईमानदार इंसान है, उसे जिंदगी से क्या मिला? उसे सच्चाई के रास्ते पर चला के तुझे क्या मिला? उन माओं को क्या मिल जाता है जिनके जवान बेटे सरहदों पर दुश्मनों की गोलियां खाकर शहीद हो जाते हैं? अगर हर माँ अपने बेटे को सीने से चिपकाए रखेगी तो दुनिया में किसी भी मुल्क में आजादी का झंडा नहीं लहराएगा, और न किसी माँ को भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की मां कहलाने का गौरव मिलेगा। क्यों अमित, अब बोल, हाँ कोई जवाब है तेरे पास मां की बात का? मां की बात का तो जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन उस आदमी का जवाब मेरे पास जरूर है जिसने तुझसे तेरी आंखें छीनी है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, कभी भी जोश में आकर कोई ऐसा वैसा काम मत करना जो कानून के खिलाफ हो। कानून के खिलाफ क्या है या क्या नहीं है ये मैं नहीं जानता किशन, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जिस आदमी ने तेरी आंखों की रोशनी छीनी है, जब तक उसकी जिंदगी में अंधेरा न कर दूं मैं चैन से नहीं बैठ सकता। नहीं अमित, ये कोई जवाब नहीं। तेरे लिए अगर कोई जवाब है तो ये। हाँ मेरे दोस्त, पहले वर्दी और ले ले अपने दोस्त की जगह। पुलिस की वर्दी? मैं इसे कैसे पहन सकता हूं? तुझे तो मालूम है कि शाम होते मैं शराब के लिए तड़प उठता हूं। ये मैं भी जानती हूं, और ये भी जानती हूं कि साल में 9 दिन तो दुर्गा माँ के लिए शराब छोड़ देता है। क्या तू मेरे लिए शराब नहीं छोड़ सकता? मुझे भी तो तू अपनी माँ समझता है, मेरा नाम भी तो दुर्गा है। मैं जानता हूं अमित तुम्हारा दोस्त है, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि तुम जैसा समझदार और रिस्पॉन्सिबल अफसर उसकी तरफदारी कर रहा है। तुम एक ऐसे आदमी को कानून का ओहदा दिलवाना चाहते हो जिसने जिंदगी भर कभी कानून की परवाह नहीं, लड़ाई फसाद करना उसका शौक है। सर, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी शराब है, शराब के बिना उसका जिस्म कांप उठता है, और जब तक 2-4 गिलास अंदर नहीं जाते उसके सीने की आग नहीं बुझती। आपने उसके शरीर की वो आग देखी है जो शराब की तड़प में उसके सीने को जलाती है, पर आप लोगों ने वो आग नहीं देखी जिसने उसके बचपन को जला दिया, जिसने होश संभालते ही अपने आप को मां की गोद की बजाय शराब के अड्डे में पाया। जिस उम्र में मां बाप औलाद के नाज उठाते हैं उसी उम्र में वो नशे में धुत लुढ़कते हुए शराबियों को उठाकर उन्हें घर पहुंचाता रहा, तब जाकर उसे 2 वक्त की रोटी मिलती। शरीफों के साए में रहकर शराफत की बातें करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं सर, मगर जुर्म और गुनाह का जहर पीने के बाद भी सच्चाई की तमन्ना रखने वाले इस दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अमित को बुलाओ। नमस्ते साहब। हाँ तो तुम पुलिस में भर्ती होना चाहते हो? हाँ साहब,
अगर आपकी मेहरबानी हो। मैं जाहिल नहीं हूं साहब, पढ़ा लिखा हूं, मैट्रिक पास हूं। जिंदगी में कोई सहारा नहीं था, इसलिए रात रात भर फुटपाथ पर लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ा हूं साहब। ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट। साहब आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं पाप और जुर्म के बीच पला हुआ हूं, मैं उनकी एक एक जड़ जानता हूं। ये दारू की भट्टियां, ये जुए के अड्डे, काला बाजार के गोदाम, स्मगलिंग की जगह सब जानता हूं मैं। साहब जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह मुजरिमों में पला हुआ मैं मुजरिमों से भरे इस गंदे समाज को खत्म कर डालूंगा। साहब प्लीज मुझे एक चांस दीजिए साहब, प्लीज। मुझे ये वर्दी पहनने का एक मौका दीजिए साहब। अगर मैंने इस वर्दी की इज्जत न रखी, अपने दोस्त की लाज न रखी, तो आपको पूरा अधिकार है कि इस वर्दी के साथ साथ मेरी खाल भी इस जिस्म से उतार लें साहब। ठीक है, हम इस बात पर गौर करेंगे। अच्छा साहब, बसंती अभी तो ग्राहक आए नहीं, और तू उनको पहले से भगाने आ गया? नहीं बसंती, आज मैं झगड़ा करने नहीं, कुछ मदद मांगने आया हूं। क्या? ये देख मेरे हाथ में बोतल है। ये कौन सी नई बात है, अभी हाथ में है, थोड़ी देर में दिमाग में चढ़ा लेगा। नहीं बसंती, आज मैं चढ़ाने नहीं उतारने आया हूं, हमेशा के लिए। लगता है कल रात के अभी तक उतरी नहीं। विश्वास कर बसंती, मैं सच बोल रहा हूं। अगर आज तूने मेरा साथ दिया तो मैं हमेशा के लिए इसका साथ छोड़ दूंगा। देख बसंती, अगर तेरे दिल के किसी कोने में मेरे लिए प्यार है, प्यार में सही थोड़ी सी हमदर्दी है, तो मुझे रोक ले। तू नाच, तू गा, तू कुछ भी कर, लेकिन मुझे इससे दूर रख, क्योंकि अगर आज मैंने इसे नहीं छुआ तो मैं जिंदगी भर कभी नहीं छूंगा। नहीं साथ देगी? ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही। बोतल तोड़ दी बसंती, ये देख, ये देख, बोतल, बोतल तोड़ दी मैंने, मैंने शराब की बोतल तोड़ दी बसंती। इस शहर से मुझे छुटकारा मिल गया, मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा बसंती। मेरी कसम आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी शराब नहीं पीऊंगा। अरे ये क्या? देख माँ, देख, देख तूने शराबी को क्या से क्या बना दिया। कल तक जो कानून तोड़ता था, आज तूने उसे कानून का रखवाला बना दिया। ले मिठाई का। मुकुल मुकुल। किशन कहाँ? किशन अंदर है। किशन, ओ किशन, किशन, देख, देख इस वर्दी में कैसा लग रहा हूं मैं। सॉरी, काश तू देख सकता यार। अरे क्यों नहीं देख सकता भाई, क्यों नहीं देख सकता? बड़ी अच्छी वर्दी है। माँ, 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 जल्दी से काला टीका लगा दे, नहीं तो नजर लग जाएगी। काश तुम दोनों एक जैसी वर्दी में होते। तो क्या हुआ माँ, वर्दी मैंने पहनी, इसने पहनी, एक ही तो बात है, हमारे जिस्म दो हैं, लेकिन जान तो एक है। हाँ माँ, अब देखना, इसका दिमाग और मेरी ताकत दोनों मिलकर कानून तोड़ने वालों का मुंह तोड़ देंगे। Thank you.
जाओ। चल तू चला। मैं? अरे चला ना। अरे मैं हूं ना तेरे साथ। अमित क्लच दबा। बेटा नहीं पुलिस, आज से ये सब धंधा बंद। गोली मत चला, जाने देना, उड़ा है। चल भाग। डैडी, हम लोगों ने विक्रम को पार्टनर तो बना लिया है, लेकिन मुझे एक बात का खतरा लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो वो गोडाउन का मालिक बन बैठे और हम देखते रह जाएं। बेटे, अपने बाप को जानते हो ना? इस काला बाजार के मैदान में लाखों आयर मुर्गी खाकर चले गए, और तुम्हारा बाप कल कहां था और आज कहां है इसकी वजह से। इस गोदाम में पहुंचने तक माल विक्रम का होगा और यहां पहुंचते ही हमारे कब्जे में होगा। भाग के कहां जाता है? कुछ भी करो, शहर का बड़ा से बड़ा वकील करो, लेकिन मेरे बेटे को पुलिस से छुड़ा कर लाओ। जाओ हरी अब। जाके जाके मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। यार अरे ये तुमने मुझे कैसा लड़का दिया, उसको मैं अपना खून पिलाकर बड़ा किया था। खून पिलाकर नहीं, शराब पिलाकर। हाँ हाँ, लेकिन बड़ा तो किया था। अपने धंधे के सारे दांव पे सिखलाए थे उसे, लेकिन उसने वो सारे दांव पे उल्टा मुझ पर आजमा दिए। पुलिस अफसर बन गया। जानते हो सबसे पहले क्या काम किया उसने? क्या किया? मेरा अड्डा बंद करवा दिया। तो मैं क्या करूं? जग्गी, मैं पुरानी दोस्ती का वास्ता देने के लिए आया हूँ। मेरी कुछ मदद करो ताकि मैं फिर से अपनी टांगों पर खड़ा हो सकूं। मैंने लंगड़ों को टांग पे खड़ा करने का अस्पताल नहीं खोला है। ऐसा ना कहो जग्गी, तुम भी कभी फाई फाई के लिए मोहताज था, और उस वक्त हम तुम्हारे। देखो इस वक्त मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। इसको 5-10 रुपए दे के बाहर निकालो। 5-10 रुपए और नहीं तो 20-25 हजार रुपए लेना है। लेने तो मुंह काला करो, चलो निकल पाने से। चल लग ले। ओ माय गॉड। अच्छा जकी, मैं तो आज का दिन याद रखूंगा, पर तुम भी आज का दिन याद रखना। तेरी जात का बेड़ा मारू जकी, सारा धक्के मार के मेरे घर से निकाला तूने। देख के नहीं चलता क्या लंगड़े? दूसरी टांग भी तोड़वानी है क्या? विक्रम से चलो ड्राइवर प्लीज गाड़ी रोको। विक्रम से चलान साहब।
आप मेरे को नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। मुझे? यस सर, विक्रम सेठ, हम दोनों एक ही टाइप का धंधा करते हैं। क्या? हाँ, फर्क सिर्फ इतना है सर, आप बड़े किस्म का धंधा करता है और हम छोटे किस्म का। सर, हमारा बैलक चल रहा है, इस वास्ते जग्गी के बच्चे ने धक्के मार के मेरे घर से बाहर निकाल दिया। सर सर, आप मेरे काम देकर देखिए, हम देखने में लंगड़ा जरूर हूँ, लेकिन वफादारी में हम किसी भी दो टांग वाले से कम नहीं हूँ सर, नहीं हूँ सर। अच्छी बात है, हम भी देखेंगे तुम्हारी वफादारी की टांगे कितनी मजबूत है। कल सुबह हमारे दफ्तर में आ जाना। ओके सर, ओके। उस पुलिस ऑफिसर के नाम जिसने हमसे टक्कर लेने की कोशिश की और अपनी आंखें खो बैठा, और बहुत जल्द अपनी जिंदगी भी खो बैठेगा। लेकिन उसका दोस्त अभी जिंदा है जो अपनी आंखों से उसे रास्ता दिखाएगा और उसकी वर्दी पहनकर अपना पर्स निभाएगा। इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं,